क्या आप भी कम वक्त में बहुत कम समय में बनना चाहते हैं अमीर? तो रोजाना अपने घर पर करें ये चार काम। जीवन भर दौलत से, धन, पैसों, संपत्ति से आपका घर, आपका परिवार, आपकी जेब भरी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिलाषा और आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हम सभी यही इच्छा होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति कमाए, जीवन में कामयाब हो, उनका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे, फिट बॉडी रहे, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा हो नहीं पाता है। हम इस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग कामयाब हो भी जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हो पाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो चाहते हैं कि आपके घर में धन संपत्ति का हमेशा ही वास रहे, आपका सेहत हमेशा ही तंदुरुस्त रहे, घर में सभी लोग खुशहाली का जीवन बिताए और आपको कभी भी किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, तो मैं आपको बताने वाली हूँ चार ऐसे उपाय जिसको आपको रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करना है और रोज इसे फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में, मैं क्या बताने वाली हूँ। धन प्राप्ति के लिए अपनाए ये तरीके। तो नंबर 1, तुलसी का पौधा। दोस्तों आप सभी के घर में तुलसी का पौधा तो जरूर होगा और अगर नहीं है तो आज ही जरूर लेकर आइए। तो तुलसी के पौधे में ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी है। और अब हमारा काम है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जाए। तुलसी के पौधे में रोजाना स्नान करने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, साथ ही सुबह और शाम रोजाना तुलसी के सामने शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रोजाना जल चढ़ाते हैं और सुबह और शाम घी का दिया जलाते हैं, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर के सदस्यों की सभी इच्छाएं पूरी करती है। नंबर 2, भोजन करते वक्त अपना मुंह पूर्व की तरफ रखें। जी हाँ दोस्तों, पूर्व दिशा सूर्य देव को समर्पित है और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ दिशा मानी जाती है। तो भोजन करते वक्त आप ध्यान रखें कि आपका जो मुख हो वो बिल्कुल सूर्य की तरफ हो, यानी कि पूर्व की तरफ हो। और दूसरा, खाना खाते वक्त भूल कर भी अपने पैरों में जूते या चप्पल ना पहने। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। नंबर 3, ईशान कोण में करें गंगा जल का छिड़काव। जी हाँ दोस्तों, ईशान कोण बहुत ही ज़्यादा शुभ दिशा मानी जाती है और यहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ जो है इस जगह पर हावी होने के लिए हमेशा ही प्रयास करती रहती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, तो रेगुलर बेसिस पे अपने घर का जो ईशान कोण है उस कोण में आप गंगा जल का छिड़काव करते रहे। ऐसा करने से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी रिमूव हो जाती है और आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास ही बना रहता है। और नंबर 4, सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, जैसे ही आपकी आंख खुलती है उठ के आप बैठते हैं, उठते के साथ सबसे पहले अपने हाथों की जो हथेली है उसे इस प्रकार से देखें। देखने के बाद ये मंत्र है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जाप आपको 3 बार करना है। 3 बार मंत्र जाप करने के बाद हथेलियों को इस तरीके से रगड़िए, अपने चेहरे पे लगाइए, माथे पे लगाइए और भगवान का नाम लेकर ही अपने बिस्तर पर से उतरिए और आगे का काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा जातक पर हमेशा बनी रहती है और जीवन भर जातक पर कृपा बरसाते रहते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और पहली बार में वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो अब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में सोशल मीडिया पर। और ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।